हाँ पर सर आवाज आ रही है मेरी अब तक? गए क्या? चलो हाँ सर, वो धर्मवीर जी आ गए, धर्मवीर जी का बेटा, वो आ गए, इतना उनको हम चलो लेते हैं। उनसे जी धर्मवीर जी को सुन लेते हैं, प्रिंस को जी सुनते हैं, जी प्रिंस को। कहाँ है प्रिंस? प्रिंस जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी, नमस्कार आप सभी को। हाँ नमस्ते नमस्ते जी नमस्कार जी मैं आपको नमस्कार, देख रहा आपका हूँ वीडियो जी। दिखाइए। हाँ हाँ जी जी पाटिल सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जी आप इनसे मिलें, थोड़ा आप इनके बारे में थोड़ा सा, पाटिल सर आप इंट्रोड्यूस कर दें अगर धर्मवीर जी के, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी आपने देखी है, और मैं मिला भी एक बार नहीं आपको नहीं ऐसे देखी हुई देखने है, मैं मिला में। हूँ। जी ये तो छोटे जी होंगे तब, धर्मवीर जी जब थे, अब एक बार हिसार में एग्जीबिशन हुआ था तब मिले हैं, सिफेट में मिला हूँ, और इनके बारे में हमने बहुत सुना है, प्रचार भी बहुत किया है। मेरे जी हर प्रेजेंटेशन में धर्मवीर जी की एक स्लाइड हुआ करती थी कि जी भाई किसान भी, जैसे किसान एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाते हैं ना कभी कभी अपने खुद से, और जी उनको हम अवार्ड देते हैं, उसी तरह से हमने कहा कि धर्मवीर जी ने एक प्रोसेसिंग मशीनरी बनाई, ये जी किसान की बनाई हुई मशीन है, तो इसका मतलब जो जरूरत थी उसी टाइप की मशीन है। तो इसी के जी साथ मैं उनके बेटे को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्योग के बारे में बताए, पिताजी के बारे में भी बताए, कहां से जी उन्होंने प्रिंस शुरुआत जी की थी, है ना? जी जी प्रिंस जी आपका स्वागत है। आप अपने बारे में और आपके जो पिताजी, अनम्यूट कर लीजिए प्रिंस जी, आपका माइक बंद। जी बताइए जी। हाँ, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते और मैं अभी तो मैं हूँ नागालैंड में, अभी मैं बात कर रहा हूँ दीमापुर से। और वेरी गुड। जो मशीन जो है जिसके बारे में आगे बताएंगे भी आपको, और जैसा मैंने अभी देखा था, मेन है एलोवेरा पे, मैं बताता हूँ आपको। हम किसान हैं, मैं भी खेती करते हैं, हमारे खेतों में भी एलोवेरा लगा हुआ है। शुरू से बताता हूँ आपको, जब से मैंने होश संभाला है मैं अपने खेतों में जड़ी बूटियां ही देखते हुए आया हूँ, है ना। हम जो है, पहले जो मेरे पिताजी हैं वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उनके लिए हम ऑर्डर पे नर्सरी होती थी हमारी, हम पौधे तैयार करते थे जड़ी बूटियों के, चाहे उसमें कालमेघ है, सनाई पत्ती है, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, सतावर है, आपका एलोवेरा है। तो वो पौधे तैयार करके हम बेचते थे गवर्नमेंट के, जहां जहां पे भी सप्लाई होती थी, हर गार्डन कहीं पे बन रहा है वहां पे पौधे चाहिए। और फिर किसी ने हमें बोल दिया, भाई आप अपने खेतों में ना आप एलोवेरा लगा लो, और इससे और ज्यादा आमदनी होगी। तो और हमारा मतलब मिडल परिवार है, कोई ज्यादा बड़ा फैमिली नहीं है, और जमीन भी बहुत थोड़ी है, 2.5-3 एकड़ जमीन है, और उसमें से 1 एकड़ में हमने, पिताजी ने जो है एलोवेरा लगा लिया, और वो तैयार भी हो गया। जब वो तैयार हुआ, अब इसको बेचे कहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या। अगर आज भी कोई फार्मर लगाता है एलोवेरा को, उसको भी हो सकता है इस तरह का सामना करना पड़े, भाई इसको कहाँ पे बेचे, एलोवेरा लगा तो लिया, तैयार हो गया, तो घर में लड़ाई होने लग गई, भाई क्या आपने ये कबाड़ लगा लिया अपने खेतों में, कोई खरीद नहीं रहा इसको, और बहुत ज्यादा माहौल खराब रहने लग गया। बीच में कई बार सोचा भाई इसको ट्रैक्टर से जोतवा दें, और कुछ और गेहूं या जीरे जो भी लगाना है वो लगा लें। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरे पिताजी जो है, हम जा रहे थे, हम रास्ते में दिल्ली से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक होटल पे रुके खाना खाने के लिए, वहां पे देखा हमने उस टाइम पे एक फॉरएवर लिविंग कोई कंपनी है अमेरिका की, और वो एलोवेरा जूस बनाती है, उसका 1 लीटर का जो कीमत है लगभग 1,000 से भी ज्यादा कीमत 1 लीटर की थी। फिर हमने देखा, अरे तो हमारे खेतों में 1 एकड़ में लगा हुआ है, और ये 1 लीटर का इतना महंगा बेच रही है बाहर की कंपनी, क्यों ना इसका एलोवेरा जूस ही बनाए। तो हमने जब शुरुआत की थी तो अपने किचन से ही की थी, घर में जो रसोई होती है, खेत से एलोवेरा लेके आए और छील के उसको मशीन में, मिक्सी में डाल के जूस बना दिया। और जो हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या केवी के है, तो पहले तो उन्हीं को दिया जो वहां के अधिकारी हैं, तो ये आप लोग जूस पियो और इसका रिजल्ट बताओ, भाई हमारे खुद के खेतों का ऑर्गेनिक है। और फिर एग्जीबिशन लगाया, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीबिशन होता है वहां पे भी गए। तो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली क्या है, मैं अभी फोन पे हूँ और बीच बीच में फोन आ रहे हैं,
तो एग्जीबिशनों में जब हम जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं वहां पे। तो वो जो एलोवेरा हमने अपने किचन से स्टार्ट किया था, तो पहले खेत से मैं बाइक पे लेके आता था भाई, 20 किलो एलोवेरा का पत्ता ले आया और जूस बनाया, और खाली जो बोतलें होती थी, कोई पैकिंग का सिस्टम नहीं होता था, वो बोतलों में डाल के शुरू में हमने एज ए गिफ्ट में भी दिया, लोगों को भी दिया, अधिकारियों को भी दिया। फिर किसी ने बोला भाई आप इसको ना, इसकी ट्रेनिंग भी लो और इसको खराब होने से बचाएं, कैसे बचाएं ताकि ये लंबे समय तक भी रह जाए। तो उसके बारे में फिर जानकारी ली। फिर धीरे धीरे एक बाइक पे एक कट्टा आता था 40 किलो के आसपास का, फिर उसी बाइक पे दो कट्टे आने लग गए सीट पे, एक सुवर सुतली ली सीट पे, कट्टा इधर हो गया, एक इधर हो गया। फिर धीरे धीरे तीन कट्टे आने लग गए। फिर धीरे धीरे भाई बाइक से कब तक लाएंगे, रोड से ऑटो पकड़ के लाते थे, ऑटो में लेके आने लग गए। फिर पता चला जी ये तो एलोवेरा लगाया था, इससे तो पूरा ही नहीं पट रहा है, डिमांड ज्यादा आने लग गई। मतलब समय बीतता गया और धीरे धीरे डिमांड बढ़ती चली गई। तो अच्छा, ये मशीन मशीन कब बनाई आपने? और फिर जो है वो मिक्सी से तो बन ही नहीं रहा था कुछ भी, जब ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ी तो। फिर सोचा भाई इसकी मशीन खरीद के अपना कहीं से, जो प्रोसेसिंग यूनिट है मिलती है मशीनें, भाई वो मशीन लगा लें। वो मशीनों का पता किया, कोई 5 लाख की मशीन होती थी उस टाइम पे, कोई 10 लाख की होती थी, इतना बजट नहीं था हमारे पास, है ना। फिर सोचा यार जब मिक्सी में है भाई, ऐसे ऐसे एक टैंक बनाएंगे, ऊपर मोटर लगा देंगे, नीचे कटर लग जाएगा, और कृषि तो करना है। तो हमारे यहाँ पे जगाधरी जो है, यमुनानगर जगाधरी में एसएस का काम होता है ज्यादा, बर्तन बनते हैं, फैब्रिकेटर जो है वो होते हैं। तो एक फैब्रिकेटर के पास गए, पहले उसने मना कर दिया, फिर दूसरे के पास गए। मतलब एक मैं तब मतलब 11वीं क्लास में हो चुका था, और मतलब याद है मेरे पापा ने बुलाया, कॉपी पेन से एक ड्राइंग बनाई भाई, फिर वो फैब्रिकेटर के पास लेकर गए, उतना पैसा नहीं होता था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले, इसमें हमें सब्सिडी भी मिली 25,000 के आसपास, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अनुदान दिया, उसमें कुछ पैसा ऐड करके वो फैब्रिकेटर को दिया, और उसने एक मशीन बनाई। उस मशीन में फिर जब वो मशीन बन रही थी, ये देखा भाई इसमें अगर आप कंडेंसर लगा दोगे तो आरक भी इसी में निकल जाएगा। तो धीरे धीरे फिर वो मशीन भी आ गई। वो मशीन जो है, फिर हम जब एग्जीबिशन में जाते थे, अभी काम बढ़ रहा है, आप कैसे अपने काम को बढ़ाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिशन लगाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जहाँ पे भी मौका मिलता है किसी को भी जाने का। जब आपके बारे में 100 लोग जानेंगे तो मुश्किल से 10 लोग एक दिन में आएंगे, अगर 10,000 लोग जानेंगे तो हो सकता है 100 लोग आपके प्रोडक्ट को हर रोज खरीदेंगे, अगर 10 लाख लोग जानेंगे हो सकता। तो मार्केटिंग ऐसी मतलब जो मैंने सीखा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, और अपनी धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो उसमें जो जो मशीन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटे उसमें बताता हूँ। फिर हम संपर्क में आए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में जो है, उन्होंने देखा भाई इस किसान ने ये मशीन बनाई और इसका जो है एलोवेरा के ऊपर तो काम कर ही रही है, और उससे बीच में और भी जगह से ऑर्डर आने लगे, लोग देखते थे एग्जीबिशन में आते थे, तो भाई आप कैसे काम करते हो, कैसे बनाते हो ये सब प्रोडक्ट, तो हमने बताते थे भाई हमने ये मशीन बनाई और इसे प्रोडक्ट बनाते हैं। बोले एक मशीन मेरे को भी दे दो, मैं भी करना चाहता हूँ। फिर ऐसे देखा उसमें हमें एकदम से अच्छा मार्जिन मिल गया। फिर धीरे धीरे हमने मशीनों पे फोकस किया, फिर एनआईएफ के संपर्क में आए, एनआईएफ ने देखा भाई इस मशीन में क्या क्या कमियां हैं, इसको और कैसे बेहतर करें, फिर उसके डिजाइन पे भी काम हुआ है, उसको पेटेंट भी कराया गया है, और आज के टाइम में लगभग पूरे भारत और पूरे विदेशों में भी ये मशीन काम कर रही है, और लगभग 17 से 18 हजार महिलाएं और पुरुष इस मशीन पे काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको पैकिंग करने में, लेबलिंग लगाने में, वॉशिंग करने में। और आज ये मशीन जो है सिर्फ एलोवेरा ही नहीं, ये लगभग सभी तरह के फलों, जड़ी बूटियों या मसालों को प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना के, या कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं, साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, स्किन जेल, आप उसमें गुलाब डालेंगे, गुलाब जल बन जाएगा, तुलसी का रस बन जाएगा, है मतलब 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। टमाटर से टमाटो केचप बनेगा, चिल्ली सॉस बनेगा,
तो इस तरह से इसकी प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई। अभी वो टेस्टिंग भी हमने करवा ली है, मशीन पेटेंट भी उसका हो चुका है। और मतलब अभी मैं नागालैंड में हूँ और कल हम यहाँ से दीमापुर से जाएंगे त्वेंसांग में, वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो पूरे दुनिया में काम करती है जो संस्था, उनके साथ मिल करके अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट है, किसानों को तो ये सिखाया ही नहीं गया है कि भाई आप ये प्रोडक्ट बनाओ, प्रोसेसिंग करो या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, यही सिखाया जाता है अपने खेतों में अनाज लगाओ और मंडी में बेच के आ जाओ। बहुत कम किसान है जो है, ऐसा नहीं है, बहुत कम किसान है पर जो अपने खेतों में जो लगाते हैं उसका प्रोडक्ट बना के वो बेचते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मान सम्मान भी अच्छा मिला, पिताजी को 2 बार नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं राष्ट्रपति जी से। वेरी गुड प्रिंस, इसका कॉस्ट और कैपेसिटी वगैरह बताओ इसमें ना मशीन अभी का। 4 मॉडल है। हाँ, मशीन के अभी 4 मॉडल है और सबसे जो छोटा मॉडल है 72,000 से स्टार्ट हो जाता है, और अगर कंट्रोलर के साथ में लेते हैं टैक्स वैक्स मिला के 18%, 96,000 की मशीन है, 1,13,000 के आसपास पड़ता है। और इसमें 35% गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है। कोई भी आप, कोई भी फूड प्रोसेसिंग का आप काम करोगे, सिर्फ यही मशीन नहीं, कोई भी आप मशीन ले रहे हो फूड प्रोसेसिंग की और कितनी भी कॉस्ट हो, उस पर 35% की सब्सिडी मिल जाती है। पीएमएफएमई स्कीम है, पीएमईजीपी स्कीम है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और उस स्कीम का फायदा उठाओगे तो सीधे सीधे आप गवर्नमेंट की सेवाओं से जुड़ रहे हो, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट मिलता है। आपकी जो आपको एक फर्म बनानी पड़ेगी, उसके लिए अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, फर्म के नाम से आप लाइसेंस लेंगे फूड प्रोसेसिंग का, जो कि ये FSSAI ऑनलाइन आजकल हो गया है, और कोई भी CA जो होता है चार्ट अकाउंटेंट, वो भी आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। ये कितने को आते, ये कैपेसिटी क्या है मशीन की, वो छोटे वाली? 1 घंटे में 40 से 50 लीटर जूस बनाएगी और 1 लीटर अर्क निकालेगी 1 घंटे में। और सिर्फ मशीन ही नहीं है, आपको उसके लिए पैकिंग मटेरियल भी देखना पड़ेगा। जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो पैकिंग भी करना पड़ेगा, उसमें प्रिजर्वेटिव भी डलेंगे, आप उस पर लेबल भी लगाओगे, तो ये भी आपके खर्चे आपके ऐड होने वाले हैं अगर आप फूड प्रोसेसिंग में जा रहे अच्छा हो तो। प्रिंस, आपसे आपसे अगर कोई मशीन खरीदता है तो वो ट्रेनिंग के लिए आपके यहाँ आकर रह सकता है 1-2 दिन और सीख सकता है? ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, अच्छा और यहाँ पे जो है सुबह आएंगे शाम तक भी फ्री कर सकते हैं उसको हम। बड़ा ही आसान है ट्रेनिंग, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खाना हर घर में खाना बनता है, सब्जी बनती है, हर रोज बनती है, वो भी एक प्रोसेसिंग के ही एक पार्ट है। तो इसी तरह से जो फूड लाइन है, एक सिंपल सा आपको नुक्ता बताता हूँ। जो जूस अगर आप बना रहे हैं, कोई भी, दो तरह के होते हैं, एक की तासीर होती है खट्टी, एक की होती है कड़वी या मीठी। जो खट्टे होते हैं उनमें अलग प्रिजर्वेटिव डलेंगे, और जो कड़वे या मीठे होते हैं उनमें अलग होते हैं। गिने चुने 5-7 प्रिजर्वेटिव हैं, वो जो नहीं है। ठीक है जी, वो सरकारी अप्रूव्ड है प्रिजर्वेटिव। हाँ बिल्कुल अप्रूव्ड है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बहुत जानकारी बहुत दी, शुक्रिया। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। आप हमारे ग्रुप में है कि नहीं? जी मैं ऐड कर वो देता हूँ, मैं नीरज ऐड जी कर देता बताए हूँ, इनको ऐड कर आपको। दीजिए, और जी आपके ये जो है ना आपकी कंपनी, आपका उद्योग, उसके बारे में जानकारी आप उस पर डालिए, तो बहुत सारे भारत भर से आपको इंक्वायरीज मिलेगी। जी जी पाटिल जी धन्यवाद। सर, प्रिंस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रिंस जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और प्रिंस जी थोड़ा सा और बताएं क्या क्या प्रोडक्ट आपके एलवेरा से, आपके जो मशीन, आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं किसान भाई उससे एलवेरा से? वही देखो, एलोवेरा से ना, देखो वैसे तो 400 से भी ज्यादा वैरायटी होती है, मेनली दो यूज होती है, एक इंडिका एक बारबेंडिस। जो इंडिका वैरायटी है वो भारत वालों के नाम से शायद पेटेंट है, और जो बारबेंडिस है वो अमेरिका वालों ने करा रखी है। और बारबेंडिस वैरायटी जो है उसका जो छिलका होता है वो कड़वा होता है, येलो कलर की एलोइन निकलती है। जो इंडिका वैरायटी है वो कड़वी नहीं होती, उसको आप डायरेक्ट भी खा सकते हो। और एलोवेरा का जो गुद्दा, अंदर से हम उसको छील के अंदर से गुद्दा निकालते हैं, उसका जूस बनेगा। जो छिलका है उस छिलके को मशीन में डाल के उसका अरक निकाल लेंगे। वो जो अरक है उससे नहाने का साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, स्किन जेल, इस तरह के काफी प्रोडक्ट बन जाएंगे। मतलब इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। जी सर, ठीक है जी, ओके ओके, बहुत ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी बहुत आपका। धन्यवाद। जी, प्रिंस जी आपने मतलब नागालैंड में रहकर भी नेटवर्क इश्यू का आपने हमारे साथ दिया, बहुत 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 अन धन्यवाद। बढ़िया हम बढ़िया चाहते हैं नेटवर्क है नागालैंड में, बहुत अच्छा है। कि नहीं, बहुत अच्छा। भारत जी में हर जगह अच्छा नेटवर्क मिलता है। जी 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 प्रिंस जी, ओके जी।
ठीक है जी, धन्यवाद। पटेल सर, मैं ये कह रहा था अभी जो सेकंड स्पीकर, उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही। मैं, हमारे साथ डॉक्टर दिलीप जैन सर जुड़े हुए हैं जो कि काजली से हैं, और हमने कल परसों कुछ ग्रुप में भी शेयर किए थे कि अलवेरा के ऊपर काजली ने भी बहुत काम किया है। तो उसके अलावा मैं इनकी सर की जो फिल्म थी मैं भी देख के आया था वहाँ पे। तो मैं चाह रहा था अगर हम इतने सेकंड स्पीकर का अगर हम करते, हम चाहते कि दिलीप जैन सर को इन्वाइट करें अलवेरा के बारे में, वो हमें काजली में जो या फिर कुछ ऐसी चीज वो हमारे साथ शेयर करें सर। दिलीप जैन सर, डॉक्टर साहब। अच्छा दिलीप जैन जी, आप ट्रेनिंग कंपोनेंट हमारे इसमें बताइए, इन लोगों को वहां आकर ट्रेनिंग करनी है तो आप ट्रेनिंग की सुविधा दे सकते हैं क्या? सर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पहले ये जब ये नीरज जी आए थे तो एलोवेरा का वहां पे प्रोसेसिंग का काम हुआ और एक वैज्ञानिक ने एलोवेरा के बेस पे शैम्पू और क्रीम वगैरह तैयार करी थी, परंतु एट प्रेजेंट जो है, मैं तो फोर चार महीना हो गया काजली से छोड़ आया, परंतु अभी एट प्रेजेंट में प्रोसेसिंग में कोई काम टेकअप नहीं किया गया सर आगे, इसलिए मैं अभी उस लेवल पे तो हाँ, पर ये कि एलोवेरा का कल्टीवेशन बहुत है वहाँ पे और रादर, हाँ हमको लगता है कोई आदमी वहाँ पे, क्योंकि कल्टीवेशन बहुत इसमें है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा इस ग्रुप में राजस्थान से कौन है, इस ग्रुप में राजस्थान से जो है वो अनम्यूट करिए। उद्योग की संभावनाएं बहुत है जी सर, करोगे तब आपके लिए दिलीप जैन साहब जो थे वहाँ कादरी में थे पहले, अगर आपको कादरी की कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके सर, है ना। हाँ जैन साहब बताइए आपका अनुभव। ये सर ऐसा है कि तो इससे मतलब अभी वहां पर जो हेड हैं उन्होंने भी एक एलोवेरा का जेल निकालने का मशीन भी बनाया था काजरी में, है ना, जेल एक्सट्रैक्शन के लिए, और उन्होंने एक प्राइमरी प्रोसेसिंग करी थी डॉक्टर कुशवाहा जी जो हैं, तो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर कुशवाहा जी के कांटेक्ट शायद होंगे आपके पास में भी होंगे और इनके पास में। मैं एक्चुअली आज इसको इसीलिए ज्वाइन किया कि एलोवेरा में मेरा ये था कि क्या नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उगा तो उगाने को तो हम कहते हैं उगा देते हैं, मैंने तो इसको सर एलोवेरा को आप तो जैन साहब ये करिए कि वो कादरी को छोड़िए। हाँ अब आपने धर्मवीर जी कंबोज के बारे में सुना, इन्हीं का प्रचार करिए अगर कोई उद्योग लगाना चाहे, जैसे गणेश को हमने कहा कि भाई आप उनके पास जाइए, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसमें हम साइंटिस्ट नो साइंटिस्ट नो प्रोफेसर ये इसी तत्व पे रख रहे हैं कि भाई एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो समस्या है वो बहुत अलग है और उनके पास आदमी पहुंचे सीधा राइट राइट ठीक बात सर। और कैसे है, आपने रिटायर कर लिया क्या? हाँ सर, मैं तो सितंबर में रिटायर्ड हो गया। उदयपुर में आ गया सर, उदयपुर आ गया, और आप उदयपुर आने से अपन जरूर मिलेंगे, तो हमें उदयपुर आना पड़ेगा आपको मिलने के लिए, हम जोधपुर नहीं जाएंगे। उदयपुर इतना खूबसूरत शहर है कि आपको मतलब एक दिन भी नहीं लगेगा कि उदयपुर क्यों आना है, कैसे आना है, आना है बस उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। राकेश चौधरी जी, विनायक अरबल से कोई उनकी तरफ से कोई है क्या ज्वाइन किया हुआ? एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ सर, वो कॉल पिक नहीं कर रहे। अच्छा, क्योंकि क्या है ना, अगर प्रिंस को समय होता तो हम काफी चर्चा उनके साथ करते, सवाल जवाब होते, क्योंकि हमारे इस ग्रुप का उद्देश्य वही है कि आप लोग क्वेश्चन पूछो, है ना, और उस क्वेश्चन के जवाब वो एंटरप्रेन्योर देंगे और हम भी कुछ प्रयास करेंगे आपको क्वेश्चन के जवाब देने में, लेकिन अभी वो चले गए हैं और दूसरे जो हमारे स्पीकर है वो ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे, शायद उनको इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई है, तो आप लोग पूछिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। इसमें एक पर्सन को और बता रहा हूँ, वसुधा बंसल जी हैं जो कि हमारे सिरसा से हैं और सर ऑर्गेनिक पे उनका बहुत अच्छा काम किया, अभी उन्होंने वाटरमेलन मस्कमेलन और बहुत अच्छा काम किया। मैं चाह रहा हूँ कि वसुधा मैम भी एक बार अनम्यूट करे, वो भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और उनके साथ कुछ हम वैल्यू एडिशन पे कह सकते, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड है और अभी वो निफ्टम भी सर जाके आई है कुछ दिन में, जब मैं यात्रा। अच्छा, वसुधा बंसल ये मैडम ने तो हमें व्हाट्सएप भी किया था। ओके जी, तो जी आपको, आपका अनुभव बताइए, ये जो बाकी जगह पर आपने विजिट किया किसी ने मदद करी आपको?
नमस्कार जी, पाटिल जी, नीरज जी, और मैं कर नहीं पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी। अभी मेरी 15 तारीख की अपॉइंटमेंट है निफ्टेम में, और मैं धर्म जी से मिल के आई हूँ और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मैं देख के हैरान हो गई कि उनकी मशीन इतनी छोटी सी चीज और एक बच्चा भी उसको ऑपरेट कर सकता है, और वो सब कुछ कर रहा है जो कि बहुत मुश्किल से बड़ी बड़ी मशीनरीज कर पाती हैं। आप उस पर काम शुरू करिए ना। हाँ, मैं बस इसीलिए निफ्टेम पे लगाऊंगी। हाँ, और उसके बाद आप लोग से मिलूंगी और फिर मैं काम शुरू करना चाह रही हूँ। अब मेरा भी, मैंने 50 एकड़ का हॉर्टिकल्चर फार्म ही है, तो जो मैं जब क्रॉप्स अपनी देखती हूँ कि ओवरराइप हो गई है, या कभी जैसे इस बार किन्नू में ग्लट आ गया, तो वो कितना वेस्ट होता है, तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा चुभती है। तो मैं इसीलिए एकदम एक्टिव होके, और आप ही लोग हमारे मेंटोर है, मैं नीरज जी को बहुत फॉलो करती हूँ। आपको एक एड्रेस दिया था हमने, वो बिस्किट के लिए, उनसे मिली आप दिल्ली के आसपास? नहीं, मैंने आपको बताया, आपसे बात हुई, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया निपटे में, मेरी थोड़ा कंजेशन ज्यादा हो गया था। निपटेम नहीं, एक्चुअल एंटरप्रेन्योर जो नीरज जी के फ्रेंड है, उन्होंने कुछ शुरू किया है काम, जो कुकीज बनाते हैं मिलेट्स की। अंकुश जी, अंकुश जी अपने फाउंडेशन के मेंबर भी हैं। अंकुश जी, उनसे उनसे चर्चा करिए। आज सिरसा से निकल गई हूँ और ये मेरा अभी चालू है अभियान, सबसे मिलते हुए हो सकता है कि मैं नीरज जी से भी मिलूं 15 तारीख को। तो प्लान करके सारा कर रही हूँ मैं, और आप लोग का बस मेरे को हेल्प चाहिए होगी थोड़ा एक्सपीरियंस की, जो प्रोसेसिंग की एक्सपीरियंस है। थैंक यू। और कुछ पूछना है? अभी तो मैं वही है कि अब कर रही हूँ, उसके बाद ही मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे। मेरे को मेन तो मार्केटिंग की है कि मेरा रॉ प्रोडक्ट भी अगर मैं बनाती हूँ तो वो कौन लेगा, तो इसीलिए मैं तो धर्मवीर जी ने मुझे दी है तसल्ली कि वो सब मैं आपको बताऊंगी, आप एक दिन मेरे ट्रेनिंग का लेके और एक दिन का ट्रेनिंग कर लीजिए आपको। हाँ, काफी तो अभी मैं सारी यूनिवर्सिटी उसी तरह से वो जो बिस्किट बनाने वाले हैं उनको मिल लीजिए, जो उन्होंने बनाए हैं कुकी ने। वो कहाँ पे हैं? फरीदाबाद में, फरीदाबाद उनका नाम और एड्रेस फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। ठीक है, मैं दिल्ली ही आ रही हूँ पहले, तो मैं उनसे मिलने की कल कोशिश करती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ, और थैंक यू। डॉक्टर अतिक पाटिल सर, मेरे साथ जो आज मेरे साथ ही बैठे ना, ये मेरा भाई है जिसको बोले लंगोटिया यार, आज हम साइकिल लेने भी दोनों साथ में गए थे। इसके साथ मैंने 5 साल पहले, हमारा 4-5 साल पहले मिलना हुआ था एक मीटिंग में, तो उस दिन भाई ने बोला कि नीरज जी आप मेरे घर आइएगा, तो उस दिन मैं पहली बार साइकिल से इसके घर गया था भाई के, और ये मेरे घर से करीबन 20 किलोमीटर दूर है, निजामपुर गाँव है, मेरे डीसी का सबसे लास्ट गाँव है। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में पीछे, तो बाकी आपको खुद बताएंगे अभी क्या कर रहे हैं। इनका, इन्होंने धान गेहूं से, इसका इनका जो एरिया पूरा धान गेहूं की बेल्ट थी, वहां से हट के थोड़ा हॉर्टिकल्चर किया, हॉर्टिकल्चर करते हुए हाईटेक पे गए, हाईटेक पे करते करते इनको हरियाणा में सब्जी रतन की उपाधि कृषि मंत्री जी के द्वारा, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और जो हमारे उप राष्ट्रपति है उनके द्वारा सम्मानित किया गया, इनको पार्लियामेंट में बुलाया गया। उसके बाद देखी थी यही सुमित संसरवाल भाई, मेहनती बहुत है अभी, थोड़ा सा कि हम ज्यादा मेहनत करने के कारण थोड़ा कमर में दिक्कत हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी रेस्ट में, अभी हम दोनों भाई एक जैसी और के, मेरे भी 1-2 महीने साइकिल चलाने से कंधा पूरा यहाँ से पेन कर रहा था, अभी हम दोनों भाई एक जैसी कंडीशन में। थोड़ा सा मैं चाह रहा था, दवाई भेजी है, वो दवाई लेना जी, मैं चाह रहा था कि सुमित जी भी थोड़ा सा कनेक्ट करें आपके साथ। जी सुमित जी बताइए। जी, जैसे कि नीरज जी ने मेरे बारे में बताया, तो पिछले 2-4 साल से हम साथ में मिलकर काम कर ही रहे हैं। रमेश कुमार मिश्रा जी, स्क्रीन शेयर होगी रमेश कुमार मिश्रा जी आपकी। जी, जैसे कि हम पिछले 3-4 साल से साथ में मिलकर काम कर ही रहे हैं, और हम ऑर्गेनिक तरीके से कुछ उगाने की कोशिश करते रहते हैं, नई नई चीजें, नई नई किसानों के लिए कुछ न कुछ अपने खेत में उत्पाद मचाते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने गेहूं का 2 किलो बीज ही बोया था गेहूं का, और उसके बाद नीरज जी से मिलते हुए मैं हॉर्टिकल्चर की तरफ गया, वहां पे टमाटर तरबूज सब कुछ लगाया, और अभी उसके बाद में हमारे तरबूज में कुछ हमें दिक्कत आई कि इसके हमें मार्केट में रेट कम मिल रहे, जिसके ऊपर हमने पिछले वर्ष विचार किया, और उसके बाद हमने मिक्सी से उसका जूस निकाल के फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ, और उसके बारे में हमें देख रहे कि वो कितने दिन तक खराब नहीं हो पाता या कुछ और कुछ क्या बना पाते हैं, हम उसके बारे में विचार अभी चल रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, वो जो जूस है वो मेरे फ्रिज में रखे गए, बोला भाई
क्योंकि नीरज तो डेली डेली नहीं आ सकता वहाँ, तो उसको जूस मेरे रूम पे लाए, हमने यहाँ निकाला और फ्रिज में रखा हुआ है। तो अभी हम लोग का भी यही प्लान चल रहा है, कुछ ऐसी चीज हम कर पाए इस पे वैल्यू एडिशन, क्योंकि इस एरिया में क्या है कि धान गेहूँ की बेल्ट है जो सुमित का एरिया, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि वैल्यू एडिशन को बढ़ाया जाए। तो इसी कड़ी में सुमित भाई अपने साथ जुड़े हुए, और हमें अच्छा लगता है जब हमारे किसान भाई जो 4 साल पहले धान गेहूँ से खेती कर रहा था और वो हॉर्टिकल्चर में गया, हॉर्टिकल्चर के बाद आज वैल्यू एडिशन पे बात कर रहा है, तो यही एक कड़ी है। क्योंकि वैल्यू एडिशन पे जाने के लिए धीरे धीरे आपको पहले फसल करके फिर उसका उसकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, किस इंस्टीट्यूट में कौन सी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लेके ज्यादा आप मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना पाए, एफिशिएंसी बढ़िया है, जिससे क्या रेट आप अच्छे से मार्केट में कम्पीट कर पाए। तो सुमित भाई आए हुए थे आज, क्योंकि बोले नीरज भाई आया हुआ है तो पता नहीं 2-3 दिन रुके, क्योंकि कल परसों फिर मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, तो बोला आज चलो मिलते हैं, क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी लाता हूँ कुछ कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन भाई आ जाते हैं तो उनको मैं शेयर करता हूँ, इनको बताने के बाद वो आगे जगह शेयर हो जाती है। जी सुमित जी अपने ग्रुप में है कि नहीं? हाँ है सर, अपने फाउंडेशन वाले ग्रुप में भी है और अपने पोस्ट हार्वेस्ट में भी है। और जब हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो भाई ने मेरे को बोला नीरज इतना घूम रहा है, ये एक टाइम के बाद ऐसा ना हो ज्यादा लोड हो जाए तो उसको फाउंडेशन बनाते हैं, तो अपना मतलब बोल सकते हैं लंगोटिया यार बोले या साथी, जिसके साथ कोई भी चीज होती है तो मैं इसी के साथ शेयर करता हूँ भाई ये चीज है कैसे करनी है, और फिर बाद में आप तो गुरु जी है ही हमारे। जी और सर अपने साथ ओम प्रकाश श्रीवास्तव सर भी जुड़े हुए हैं जो लखनऊ से है, यूपी से है, तो उनको भी अपने ग्रुप में अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, वो पहले से भी बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। तो सर ऑफिस वास्तव सर अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या फिर किसी भाई के कोई प्रश्न हो, क्योंकि मैं क्योंकि आज हमारा क्या 2 महीने जी सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सादर प्रणाम जी। मैं अभी 2 साल से मैंने नेचुरल फार्मिंग शुरू किया है और अभी काला नमक धान लगाया है, लहसुन है, सरसों है देसी, और आपका गन्ना हम लोग का मेन यहाँ पे क्रॉप होती है जो कैश क्रॉप एक तरीके से गन्ना पिपरमिंट ये मानी जाती है। वेरी गुड, तो आप सब ऑर्गेनिक करते हैं ओम प्रकाश जी? सर मैं 1.25 एकड़ में ऑर्गेनिक कर रहा हूँ और बाकी अभी 3.5 एकड़ बटाई पे पहले दिया हुआ था, गन्ना उगा था उसमें, अभी इस बार भी उसमें तो ऑर्गेनिक नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि जमीन बहुत खराब हो चुकी है सर वो। ओके, ओके। हाँ, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं करेंगे तो और ज्यादा खराब होगी जमीन? नहीं सर, गोबर की खाद और ये सब चीजें डालेंगे लेकिन साथ में थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए। थैंक यू। आप चौधरी जी आप बताइएगा आपका अनुभव, वरिंदर चौधरी जी अनम्यूट करिएगा। सर माइक बंद है आपका, वरिंदर सर माइक ओपन कीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए वरिंदर सर आपका माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही वरिंदर सर जी। आवाज जी सर, जी सर। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम वरिंदर चौधरी है, मैं पंजाब से हूँ। ओके, एंड मेरा ये पैशन है खेती करना, और मैं वैसे एक कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर हूँ, गुड़गांव में जॉब करता हूँ, और वीकेंड फार्मर हूँ, और मेरी 7.5 एकड़ जमीन है, उसमें मैंने फार्म बनाया हुआ है बाबा नानक प्रकृत कृषि फार्म, और पिछले 6 साल से मैंने उसमें कभी मैं सिर्फ सुभाष पालकर कृषि को फॉलो करता हूँ, उसके अलावा मैं और कोई कुछ फॉलो नहीं करता, जी मैं भगवान जी को डालता हूँ खेतों में, और मेरे अपना ऑर्चर्ड है आड़ू का, मौसमी का, अमरूद का, केले का, तो ये बना रखा मैंने 2 एकड़ के अंदर, बाकी खेतों में मैं बंसी गेहूँ, सरसों, और जो भी मेरी रसोई के अंदर सामान चाहिए होता सारा मैं वहाँ प्रोड्यूस करता हूँ, चाहे वो अलसी है, चाहे मेथे हैं, चाहे सोया है, ज्वैन है, सौंफ है, सब कुछ मैं नमक के अलावा सब कुछ प्रोड्यूस करता हूँ मैं वहाँ, जो एक्सेस होता है वो मेरे रिलेटिव फ्रेंड सर्कल बोले जाते हैं, और मेरा ये पैशन है हाउ टू मेक हेल्दी सोसाइटी, उस पैशन पर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कारपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, CSR बोलते हैं उसको, तो मैंने ऐसे अपनी PSR बना रखी, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इस पे काम करता हूँ और एजुकेट करता हूँ फार्मर को, वीकेंड पे मंडे टू फ्राइडे में गड़गांव रहता हूँ, सैटरडे संडे 2 दिन खेतों में रहता हूँ मैं काम करता हूँ। अच्छा, आपको देख के आपके आस पास के फार्मर्स भी कुछ करने लगे उसमें पालेकर वाली फार्मिंग? देखो मेरे देखो ऐसे है एक कहावत है ना कि जहाँ पे आप एक जो कुत्ता है, कुत्ता यहाँ बैठता है ना वो अपनी पूछ मार के बैठता है, भगवान ने हमें पूछ नहीं दी है दिमाग दिया, हम दिमाग को चूज करके हम
लोगों को एजुकेट करते हैं, आसपास में जो भी पॉजिटिव लोग हैं मेरे सर्कल में आते हैं, चाहे वो मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं या कहीं भी आते हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। जो कंज्यूमर बन सकते हैं उनको कंज्यूमर बनाते हैं, फार्मर्स जोड़ते हैं, जो केमिकल करते हैं उनको बोलते हैं कम से कम 10% पे खेत तो आप नेचुरल करनी शुरू कर दो, और बच्चों को जहर मत दो कम से कम। हाँ, खुद तो एटलीस्ट किसान ने एटलीस्ट अपना खुद अच्छा खाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है, तो मैं वहाँ भी हम लोगों फार्मर को यही मोटिवेट करते हैं, यार सारी नहीं करनी, कम से कम 10% अपने बच्चों के लिए तो कर लो कम से कम पहले। वैसे तो 100% करनी चाहिए अपने को, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्शन कम होती है। जब मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में, मैं प्रोडक्शन ले सकता हूँ और केमिकल से बेटर रिजल्ट निकाल रहा हूँ, तो जो फार्मर है जो 24 घंटे देता है इस खेती में, वो इसमें अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए देखकर कन्विंस होना ज्यादा जरूरी होता है। आपको देखकर किसान डेफिनेटली कन्विंस होंगे। मेरा पर्पस है इस आज की मीटिंग ज्वाइन करने का ये था बेसिकली कि जो आपने पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करें, मैं इसको ऐसे मतलब वैल्यूएशन करके, ताकि मैं वहां अपने आसपास के जो लोग हैं जो मतलब जो बाहर नहीं जा सकते, उनको रोजगार पैदा करने के लिए मैं ऐसे कुछ करना चाहता था। जैसे मैंने एलोवेरा लगा रखी है अपने खेतों में, थोड़ी बहुत लगा रखी है, तो मैं क्या इसमें कोई वायबिलिटी बन सकती है ताकि मैं किसी को रोजगार दे पाऊँ। डेफिनेटली वायबिलिटी है सर, क्योंकि क्या है ना कि आजकल एलोवेरा जूस सब लोग ले रहे हैं, और अपनी पॉपुलेशन ओल्ड एज की बहुत हो चुकी है, और उनको उसके फायदे नजर आ रहे हैं। मैं खुद लेता हूं एलोवेरा, हर महीने में एक शीशी मैं लेता हूं 200 रुपए की, जो वैद्यनाथ की आती है। अगर कोई लोकल बनाना चाहे तो उसके लिए भी मार्केट है, भले ही अमूल का दूध आ जाए, भले ही किसी और का दूध आ जाए, ग्वाले को हमेशा उद्योग रहता ही है, क्योंकि वो फ्रेश दूध लोगों को देता है। उसी तरह से ये छोटे प्रोसेसिंग उद्यमी जो है ना, उनको भी स्कोप रहेगा। तो आप अगर शुरू करना कर सकते हैं, तो ये भी एक लोगों को देखने के लिए हो जाएगी चीज, फॉलो करने के लिए हो जाएगी। डेफिनेटली सर, मैं जो भी वैल्यूएशन वाला काम है, जिसको बेसिकल मेरी एक मेरा बेसिक फंडा है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं जो पैदा करता हूँ खेतों में, मैं डायरेक्टली बेचता नहीं हूँ उसको, उसको प्रोसेसिंग करने के बिना मैं नहीं बेचता हूँ। मैं बंसी गेहूँ लगाता हूँ, तो मैं गेहूँ नहीं देता किसी को। मैं उसका जब मैं बीज देता हूँ, जहाँ मैं उसका आटा बना के देता हूँ उसका। वेरी गुड। मैं आटा नहीं खाता, मैं पिछले 14 साल से रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया मैंने। मैं सिर्फ फ्रूट खाता हूँ अपने खेतों में लगा, जहाँ मैं थोड़ी डॉक्टर खादर वली को फॉलो मिल्क पॉजिटिव मिल्क खाता हूँ उसके अलावा। ठीक है, बहुत अच्छा सर। वीरेंद्र सर, मैंने ना अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में मेरा नंबर और हमारे ग्रुप का जो ग्रुप की व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की जो लिंक है वो भेज दिया है। अमित जैन जी का भी मैसेज आया कि ग्रुप ज्वाइन, जो भी साथी हमारे ग्रुप में भी नहीं है ज्वाइन करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में हमने लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी ग्रुप, और यहाँ से अभी हम लोग मैं तुरंत उसकी एक्सेप्ट कर दूंगा, तो उससे क्या वो हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं सभी जी जी ओपी श्रीवास्तव जी, आप कुछ बोल रहे थे, हैंड्रेज बीच में हुआ था। अरे सर कोई नहीं, वरिंदर जी को बहुत बहुत बधाई, और सर बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, और अगर प्रोडक्शन केमिकल की तुलना में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। Very और good. लोगों को प्रेरित करते हैं बहुत। और आप में से और कोई है बताना चाहेगा अपना अनुभव? अगर आप में से कोई साथी जो वैल्यू एडिशन कर रहा है, वैल्यू एडिशन या कोई मुकुंद सावन जी बोलिए, क्या है आपका, क्या चल रहा है? स्माइली कपूर, संतोष जी, अच्छा इनका हाथ आ गया, नीतीश कुमार जी, नीतीश जी बोलिए, नीतीश जी। सभी को धन्यवाद। हाँ। हेलो, आपका वीडियो भी ऑन करिए। मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, अरे आज तो आपको आज तो आपको गवर्नमेंट रखनी है। जी सर, मैं बिहार से हूँ और मैंने एक पोस्ट हार्वेस्ट जीरो कार्बन इमिशन ड्रायर बनाया है, जो फल और सब्जी को सुखाने का काम करता है। अच्छा। और ये पूरी तरीका से देसी तकनीक से बना हुआ है, और इसका पेटेंट भी हमने ले रखा है, और ये जो है आपको फल और सब्जी, मछली, मशरूम और पापड़ और बड़ी को सुखाने का काम करता है ये। अच्छा, इसको मैन्युफैक्चरर मिल गया आपको? जी सर, इसका डिजाइन पेटेंट हमको मिल चुका है, मतलब हमारे पास मतलब हाल ही में मिला है अक्टूबर में। हाँ, तो इसका हमने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर दिया है। अच्छा, कितने का आता है ये टायर? ये 65,000 रुपए का है, 65,000 का है। और इसका कैपेसिटी है सर 20 kg है आपका, एक दिन में इसमें बिजली, हाँ वो एक दिन में 8 घंटे में 20 kg प्रोडक्शन देता है,
और इसके साथ हमने स्टोरेज भी दिया है, क्योंकि किसान को जो है स्टोरेज का नहीं रहता है सुविधा और वो हाइजीन के साथ स्टोर नहीं करते हैं, तो हमने इसमें स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो मतलब हाइजीन के साथ अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। कितने लोग यूज कर रहे हैं इसको कमर्शियली प्रोडक्ट बनाने में और सेल करने में? अभी हम अभी जो है हम लोग इसको आप मतलब 70 मशीन हम बेच चुके हैं। अच्छा। जिसमें पापड़ वाले, अचार बड़ी वाले और आपको मछली के जो किसान है, मशरूम के किसान है, ये सब इसका इस्तेमाल करके और इसका जो है प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम खरीद भी लेते हैं उनसे। आपने कंपनी वगैरह बताई है, क्या नाम है कंपनी का? जी जी, हमारे कंपनी का नाम है bhojpatta.com। आप इसमें ज्वाइन किए हमारे ग्रुप में? ग्रुप में तो है नीरज जी से हमारा मुलाकात, आपको ए, ए, क्या कहते हैं ऑर्गेनिक इंडिया जैविक इंडिया अवार्ड में आगरा में हुई थी 2022 में, तो उस समय से उनको फॉलो कर रहे हैं। नीरज जी ने अभी एक जो नंबर ये जो शेयर किया है ना, उसमें इस ग्रुप में जुड़ जाइए और आपके कंपनी के बारे में जानकारी उसमें डालिए, है ना जी सर? अभी बताते हुए खुशी मिल रही है कि हम लोग मतलब सेल्को फाउंडेशन बेंगलोर की एक संस्था है, वो हम लोग को अभी 5 लाख रुपए का मतलब फंड दी है पूरे इंडिया में प्रमोशन करने के लिए। तो उसके तहत हम लोग केरला, कर्नाटका, असम, बंगाल और राजस्थान में हम लोग डेमो देने जा रहे हैं मशीन का। तो कहाँ देते हैं आप लोग, एग्जीबिशन में जाते हैं? एग्जीबिशन में ही पार्टिसिपेट करते हैं और अभी आहार मेला जो लगने वाला है प्रगति मैदान में मार्च में, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हाँ आहार मेला में पार्टिसिपेट करेंगे। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, वो जो चैट का दिया है ना उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और उसमें डाल दीजिए। तो ये सब लोग जो ज्वाइन किए, हमें 1500 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे दोनों ग्रुप्स को मिलके, ग्रुप वन ग्रुप टू है, सीरीज एक ही है, लेकिन ये लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो जाएगी, नेटवर्किंग। हम चाहते हैं कि एक आदमी बनाए तो पूरे भारत को उसके बारे में पता चले और जो जो भी उसका उपयोग करना चाहे उसको ये बैरियर न रहे कि हमें पता नहीं है कि भाई बिहार में कौन बना रहा है। बिहारी आदमी को राजस्थान आने की जरूरत नहीं है या गुजरात जाने की जरूरत नहीं, यहीं के बन रहे ड्रायर है कि नहीं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जिसको ड्राई की जरूरत होती है। तो आप इसको डालिए हमारे ग्रुप में, ड्रायर की फोटो डालिए, उसकी कॉस्ट डालिए, उसकी कैपेसिटी डालिए, है ना जी सर? हम ग्रुप में डाल देते हैं, तो हमारा ब्रोशर वगैरह बन चुका है और वेबसाइट भी है और जो भी चीज है सब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं सर, अपना ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके थ्रू हम लोग बेच रहे हैं। आपको अच्छा हम लोग अभी केला ग्रुप से बहुत हम लोग केला के आटा से सर शुगर फ्री बिस्किट भी बना रहे हैं अभी इससे, इस मशीन का इस्तेमाल करके। केला के आटा से शुगर फ्री मिलेट के बिस्किट बनाइए, मिलेट का साल चल रहा है, मिलेट के बिस्किट ज्यादा बिकेंगे जी सर। अभी मिलेट का भी सर टेस्ट मिलाया जा रहा है, थोड़ा सा कड़वापन है, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब लोग को बिस्कुट का स्वाद मिले, मिलेट का स्वाद ना मिले, लेकिन मिलेट उसमें ऐड हो। किससे बात करिए कड़वापन कैसे निकाले और वो आपको बताएंगे, वो घूमता है भारत भर अभी, है ना जी जी ठीक है जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद नीतीश जी, नीतीश जी से बिहार से जी जी हरेंद्र जी, हाँ हरेंद्र जी भी मिलेट के लड्डू बना रहे ना, हरेंद्र जी कुरुक्षेत्र वाले। मैं वही कह रहा था नीतीश जी को कि झारखंड बगल में है, आप झारखंड भी आ सकते हैं और हम लोग प्रमोट करेंगे आपका किसानों के बीच। अच्छा, नीतीश कुमार जी ग्रुप में नहीं है अभी, इसलिए उनको ग्रुप में डालिए और हरिंदर जी से उनका कॉन्टेक्ट करा दीजिए, तो दोनों मिलकर कर सकते हैं जी सर। हम लोग अभी सर सभी के लिए मशीन बना रहे हैं और इसमें सर तीन तरह का मशीन है, एक है सोलर से मतलब जो प्रिज्म टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और दूसरा है कि आपका सोलर इलेक्ट्रिक है, और तीसरा जो है कि सोलर इलेक्ट्रिक और विंड मिल यानी पवन चक्की का इस्तेमाल करके भी हम लोग ड्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट को, पहाड़ी एरिया में जो ट्राइब एरिया है या पहाड़ी एरिया वहाँ भी आप लोग उसका काम कर सकते हैं। वेरी गुड, हम तीन तरह का मशीन अभी बनाए और उसको जो कमर्शियल कर रहे हैं, जो उसका उपयोग कर रहे हैं, जो उस पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके इन्फॉर्मेशन इस पे डालिए ग्रुप पे, तो लोगों को ज्यादा करने सर, उसका ड्रायर इतने बने हैं रिसर्चर्स की तरफ से कि उनको कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ड्रायर उपयोग करे, है ना? सही बात है डॉक्टर साहब, यही बात है। मैं कम से कम 50 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर के साथ में जुड़ा हूँ, मेरे पास रोज एक नए ड्रायर मैन्युफैक्चरर का मैसेज आता रहता है रोज दिल्ली। चलिए सर,
हम लोग तो हमने प्रैक्टिकली सर किया है और हमने 50-60 मशीन अपने दाम पे बेचा है और उसका हमने प्रैक्टिकली बहुत अच्छा। नहीं, ये तो लग ही रहा है कि आपका ड्रायर जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इफिशियंट है और लोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, है ना? ठीक है, धन्यवाद सर। हमने बंगाल में सर मछली फार्मर को दिया है और केरला कर्नाटका में कॉफी वाले जो किसान है, कॉफी और मसाला वाले, उनको भी दिया है और आसाम में हल्दी वाले को दिया है। तो डिफरेंट प्लेस में हमने डिफरेंट लोगों को दिया है। जी नीतीश जी, आप मेरे को डिटेल शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको और बाकी सबसे सब ग्रुप में आप ग्रुप में डालिएगा, मैंने ग्रुप की लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है ही ऑलरेडी, और बाकी मैं लिंक में यहाँ दोबारा चैट बॉक्स में दोबारा हमारे जो अपना फाउंडेशन जो अपना ग्रुप है उसकी लिंक डाल देता हूँ, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे। रिक्वेस्ट मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा। तो पाटिल सर, मैं चाहता हूँ ना कि क्या है कि हम लोग इसको थोड़ा सा सभी का धन्यवाद करते हैं। कारण क्या है कि थोड़ा सा एक 4:30 बजे कोई भाई भी आने वाले हैं तो उनसे मेरे को थोड़ा डिस्कस करना है। दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कि आप थके हुए हैं और खाना नहीं खाया मैंने अभी हालत करके। जी और सर पटेल सर, थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आप सभी को एक बार बता दे, फिर उसके बाद हम लोग सबका एक फॉर्मली धन्यवाद भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड अपना संडे को होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है तो संडे को ही होगा, नहीं तो फिर हम आपको बता देंगे कि कब होगा, और वो टैपियोका पे होगा, मतलब जिससे साबुदाने बनते हैं और जिससे साबुदाने के पापड़ बनते हैं, जिसको उपवास में खाया जाता है, भारत भर उसका कंजम्पशन है लेकिन उसका प्रोडक्शन केरला में होता है। और उसी तरह से बहुत सारे कंद है कि जैसे कि क्या कहते हैं वो मीठा होता है ना, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो शकरकंद, इसका भी बहुत उपयोग अपने कंट्री में होता है लेकिन कोई सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग उसकी चल नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि उसके क्यूब्स, उसके कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनके लोगों को मिले, क्योंकि अपना ही जब मार्केट अवेलेबल है तो हम प्रोसेस करके उनको क्यों ना अवेलेबल करा दे, और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज है वो आप लोगों को अगले बार में हम बताएंगे। धन्यवाद। और उससे उसकी हम लोग एक हल्की सी एक झलक हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं अभी सेंट्रल केरल से विजिट करके आया हूँ, तो ताकि उसमें हमें पता चल जाए किस किस तरह के प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, ट्रेनिंग है। और सर जैसे आपने बताया था सीपीट में जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट उन्होंने भी अडॉप्ट करके उसको कर रहे हैं। तो हम एक बार सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो आप लोग इस हमारी इस कड़ी में, जो प्रोसेसिंग की कड़ी में हमारा साथ दिया और हमारे हाथ से हाथ मिला के साथ हमारे, क्योंकि एक हमारा जैसे मिशन ऑर्गेनिक हुआ, मिशन मिलेट हुआ, जो अभी हम कश्मीर से कन्याकुमारी करके, अब हमारा जो चल रहा है मिशन प्रोसेसिंग चल रहा है और वैल्यू एडिशन, अब हमें इसको सक्सेस करना है और इसमें हम ज्यादा ज्यादा। और मैं आपको पुनः बताता हूँ कि हम लोग की जो ये सीरीज है, ये सीरीज हम लोग हर संडे को शाम को 3 से 4:30 बजे के बीच करते हैं। और सर अगली बार हम 18 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि मैं भी से क्योंकि अभी हमारे थोड़ा बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, तो उसको हम दोबारा कंटिन्यूटी पे लेके आएंगे। और हर संडे को हम लोग 3 से 4:30 बजे के बीच हम लोग वैल्यू एडिशन वो सर्विस पे हर एक नई नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि ग्रुप में हमने लिंक शेयर कर दिया, अगर कोई भाई अभी ग्रुप में नहीं है तो वो भी ग्रुप में जुड़ सकता है, और उसके अलावा हम लोग का जो फाउंडेशन हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन, उसके साथ में भी जुड़ के काम कर सकता है। धन्यवाद सभी का पुनः, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ अगर आप लोग एक बार अपनी कैमरा ऑन कर ले तो एक बार हम लोग एक फोटो क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद हम लोग ग्रुप में शेयर कर लें और एक यादें हो जाती है कि हम किस एपिसोड में सब मिले थे एक साथ। जी सबके कैमरे ऑन करिए सर, एक्चुअली क्या है 2 महीने के गैप के बाद हुए थे, इसलिए थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को अप डाउन हुआ अपना। चलिए आई थिंक कोई नहीं, हम ठीक है। और सर नीतीश जी से भी मेरा मिलना हुआ था IRI में उस समय, और ये भी IRI के इनोवेटिव फार्मर अवार्डी हैं, तो जब इनसे डिस्कशन हुआ था, इन्होंने भी फार्मर किसानों के लिए काम करे, तो हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, ये सब कोई एक गांव से भाई इनोवेशन लेके आया तो गांव का इनोवेशन गांव के लिए और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसको उसकी समस्याएं पता है। इनके पीछे मछली का फोटो है, मछली काफी अच्छी ड्राई होती है, इसका मतलब नीतीश जी के। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते, मिलते हैं।